very happy Women's Day. मेरी जो कविता है वो नानियों का समर्पित है, वुमेंस डे है तो उन्हीं पर मैंने ये कविता लिखी है, तो बहुत अच्छी लगेगा, जिसका शीर्षक है नारी की आत्मकथा। अंश पला ही था उसका कि तुमने उसका सर्वनाश किया, जन्म से पहले लक्ष्मी की तुमने उसका अपने हाथों से हास किया। जो बच गई इस दंगल से कुचला उसके बचपन को, वासना प्यास मिटा आए तुम भोलेपन के अंचल को। जब गई वो पढ़ने ज्ञान का जो जलपान किया, उसके अधिकारों का हनन कर शिक्षा पर उसके प्रतिघात किया। पढ़ लिख कर क्या करोगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी, आगे चूल्हा चौका करना है, आगे चलकर तो पत्नी बहु माँ का ही कर्तव्य निर्वहन करना है। शाम को जल्दी घर आना, कपड़े ढंग के पहन कर जाना, ये अम्मी अब्बा ने उसे हर रोज समझाया था। मगर उन लड़कों का क्या जो शाम में उसे हर रोज तंग किए जाता था, क्या किसी ने उसे कान के पीछे एक लगाया था। जब करने की उसने कुछ ठान ली घर से पहचान बनाने की तैयार की, तो क्या होगा ये इन सब से कहकर, क्या होगा ये सब करकर, पहले ही उसकी हिम्मत को तार तार किया। जब होता प्रहार उस पर उसे ही दोषी बताते हो, जब होता प्रहार उस पर उसे ही दोषी बताते हो, छोटे कपड़े पहने होंगे ये आरोप लगाते हो। चुटकी भर सिंदूर लगाकर सपनों को उसके रौन दिया, दुनिया की रीत बताकर कैसे अनजानों को सौंप दिया। आंगन में पाला था, गोदी में खिलाया था, फिर अनजानी आंगन छोड़कर उसे पढ़ाया एक पल में कर डाला था। शादी के नाम पर तुमने अनजानी आंगन छोड़ दिया, तुम्हें क्या पता माँ बाबा उन लालचियों ने मुझ पर क्या क्या सितम किए। मेरे सुंदर लंबे केशों को माँ तुम्हें जिसने बचपन से सजाया था, उसी को पकड़ के उन हाथों ने मुझे घसीट कर घर के बाहर कर डाला था। मारा पीटा बहुत सताया रक्त रंजित कर डाला था। एक बूढ़े माँ बाप और बच्चों के खाते मैंने सब कुछ सह डाला था। ना का मतलब ना होता ये उनको कौन समझाएगा। उनके पुरुष को चोट लगेगी, वो चेहरे पे एसिड फेंक जाएगा, मगर उनको ये कौन बताए, ये एसिड कभी भी नारी की आत्मा की सुंदरता को कभी भी छू नहीं पाएगा। अब अंतिम कुछ पंक्तियां हैं, गौर सुनना। क्यों औरत तेरी यही कहानी तुम बलिदानों की गाथा हो, सहना सहना सहते रहना, इसी अस्तित्व की मर्यादा हो। कोमल सहनशील स्वरूप जो तेरा सदियों से चला आया है, अब तो इसका त्याग करो। ऊंची सोच और हिम्मत से इन अत्याचारों का विनाश करो। सीता की सौम्यता को बलिदान करने की बारी है, काली चंडी के विकरालता के रूप को धरकर इन अत्याचारों की नाश करने की तैयारी है। आओ चलो सब आज एक प्रण लेते हैं, अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं, ये समाज की ओछी सोच अब हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं। बहन बेटी अनजान औरत, अब सबका सम्मान करो, कोई भी औरत ना रोए, अब उस पे अत्याचार ना। नारी जो ये तेरी कहानी है अब उसमें बदलाव होगा, बलिदानों की गाथा की जगह अब सशक्तिकरण का वास होगा। थैंक यू।